आज तो स्पेशल माइक है, आज तो बहुत आवाज है, आज खर्चे ही है सर। अच्छा तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? जावास्क्रिप्ट सर, डेटा टाइप्स पढ़ी। चलो यार अच्छा हुआ, CSS HTML की बातें कर करके मैं तो बोर हो रहा हूं। आप बोल रहे बूटस्ट्रैप और SAS करवाऊंगा, बहुत ही करवाया बूटस्ट्रैप SAS नहीं, यहां पे हां हो चुके। तो नहीं इतनी ज्यादा नहीं है, बैठ जाओ, बैठना है आपको, बैठना इतनी ज्यादा नहीं, पहली इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है, ज्यादा नहीं हुई। हाँ यूट्यूब पे मिल जाएगी जावास्क्रिप्ट में, अगर आप बैठना चाहो, आपको बात समझ आती है तो आ जाओ। अच्छा वो आ गया, नहीं यार पॉसिबल नहीं। हाँ अच्छा जी, तो हाँ भाई चीतो, तुम लोग जावास्क्रिप्ट पे पहुँचने वाले चीते हो बड़े। नहीं पहुँच गए हो, मैं कह रहा हूँ ना पहुँच गए, और पहली बात है तुम लोग की हिम्मत को सलाम है। हाँ कि नहीं, मुझे मुझे समझ आ गई, जो जावास्क्रिप्ट तक टिकता है ना, फिर वो समझ लो वो सीरियस बच्चे होते हैं। HTML CSS तक कोर्सेज में हमेशा आपको दिखता है। तो मेरे जो मैं जब सैलानी में पढ़ रहा था तो हम लोग 450 बच्चे थे जब HTML CSS पे थे, पूरी क्लास भरी हुई होती थी, हम भागते भागते जाते थे कि पीछे पीछे जगह मिलेगी, और जब जावास्क्रिप्ट तक हम पहुँचे तो कितने थे, 70-72 बच्चे बचे थे हम लोग। फिर उसके बाद जब हम जावास्क्रिप्ट से हम निकल के नोड जेएस तक पहुँचे तो हम 32-35 बच्चे थे। फिर जब आखिरी कोर्स हुआ एंगुलर तो उस पर हम लोग 25 बचे, फिर वो 25 टिके रहे, फिर उन्हीं को सर्टिफिकेट मिला था। लेकिन खैर देखें, इससे पता चल जाता है यार कौन सीरियस है कौन नहीं है, अच्छा भी है, तो बंदे को फिर एक मेहनत करने का दिल भी करता है, पता है कि बंदे सीरियस हैं। तो अब आते हैं भाई हम जावास्क्रिप्ट पे, तो हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी, थोड़ा रिफ्रेश करते हैं आप लोगों को। डेटा टाइप्स में हमने ये नंबर पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, बूलियन पढ़ा, एरे पढ़ा और ऑब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये तीन तो बड़ी इजी थी, समझ भी आ गई होंगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। उसके बाद है एरे और ऑब्जेक्ट, ठीक है भैया। अब मैं कंसिडर करूँगा कि तुम लोग ना इंटेलिजेंट लोगों में से हो, तो मैं जब कोई बातें अब करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोग समझ जाओ, सही है, ऐसा ही होगा। अब उसके बाद हम आते हैं वेरिएबल, वेरिएबल भी सबको समझ आ गया था। वेरिएबल एक लफ्ज़ होता है जिसमें आप कोई भी डेटा सेव करा देते हो, सही है। अब ये वेरिएबल डेटा टाइप्स, ये हर लैंग्वेज में कॉमन है, ये भी बात हो गई थी कि ये चीज़ें सब में कॉमन है। अब एक चीज़ करते हैं, अगर आप W3 स्कूल्स पे जाएंगे तो JS एरे मेथड्स ये लिख लें आप, ये आप सर्च करेंगे जब भी आपको कोई मसला होगा, अभी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन जब आपको मसला होगा तो भी आप ये करेंगे। क्या नाम था? इसका नाम है जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स। अब देखें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपने वेरिएबल पढ़ लिया, ठीक है, आपने होने दो, तो आपने वेरिएबल्स पढ़ लिए, आपने डेटा टाइप्स पढ़ ली, अब उन डेटा टाइप्स के साथ क्या क्या हो सकता है, अब आप ये पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट में, आप वेबसाइट, आप से देख, आपने ये बात नोट की होगी कि हमने दोबारा HTML CSS को टच ही नहीं किया जब से जावास्क्रिप्ट शुरू हुई है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए काम नहीं आती, ठीक है। ये एक जनरल लैंग्वेज है जिसमें आप कुछ भी बना सकते हो, तो इस वजह से आपको अभी हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, बेसिक लॉजिक, इसको हम बिजनेस लॉजिक कहते हैं। बेसिकली बिजनेस लॉजिक क्या होती है, कोई भी फंक्शंस होते हैं जिससे कोई आप इनपुट दो और कोई आपके पास डिजायर्ड आउटपुट है, सही है, इसको हम बिजनेस लॉजिक कहते हैं, इसको हम एल्गोरिथम्स भी कहते हैं, ठीक है।
अल्गोरिथम्स पहली बार मुस्लिम्स ने इंट्रोड्यूस किया था, सही? आई थिंक अल-ख्वारज़्मी ने, अल-ख्वारज़्मी नाम का मैथमेटिशियन था, उसने अल्गोरिथम्स इंट्रोड्यूस किए थे। तो अल्गोरिथम्स क्या होते हैं कि भाई एक पूरा फंक्शन होता है जिसमें आप एक चीज़ इनपुट दो और आपके पास एक आउटपुट आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं? अल्गोरिथम्स। तो जावास्क्रिप्ट में अल्गोरिथम्स बनते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ वेबसाइट से अलग ही होते हैं, वेबसाइट के अंदर भी होते हैं। आपको कोई इनपुट आया, आपने उसको प्रोसेस किया, वो सर्टेन आउटपुट दे दिया, ये भी एक अल्गोरिथम है। आपके पास एक फॉर्म आया, फॉर्म के अंदर कुछ डेटा था, आपने एक डेटाबेस में सेव करा लिया, ये भी एक अल्गोरिथम है। तो डिफरेंट डिफरेंट अल्गोरिथम इस्तेमाल होते हैं। अब वो अल्गोरिथम्स बनाने के लिए आप लोगों को डेटा टाइप, वेरिएबल और डेटा टाइप के फंक्शंस आने चाहिए, सही है? कि अगर मेरे पास आपके पास, आपको मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये आप मुझे श्योरिटी दो कि वो जो नंबर है वो 4 decimal प्लेसेस से आगे ना हो। इसका मतलब है 2.532678 एक नंबर बड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक फंक्शन बनाना है जो कि ये पक्का करे कि ये जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो हमेशा पॉइंट के बाद 4 सिर्फ नंबर होंगे, पांचवा नहीं होगा। अब कोई है यूज़ मुझे जैसा ही चाहिए। तो ये क्या है? अल्गोरिथम। अब ये आपको कैसे बनाना आएगा? जब आप जावास्क्रिप्ट में ये बेसिक मेथड्स पढ़ोगे। तो सबसे पहला मेथड आप कौन सा पढ़ रहे हो? बल्कि नहीं, अरे 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 नहीं, अरे तो बाद में आएगा, अभी तो तुम लोगों ने स्ट्रिंग मेथड्स ही नहीं पढ़े ना। सॉरी, मैं थोड़ा भूल गया कि आप लोगों ने यही नहीं पढ़ा। अब हम चलते हैं दोबारा सबसे, अब आपकी मर्जी है, आप ये कॉन्सोल यहाँ पे काम करो। क्या कर रहे हैं लोग, सही है? ये तो आप ये यूज़ कर लो, आप ये यूज़ कर लो, आपकी मर्जी है। या आप दूसरा तरीका है, यहाँ भी आप जावास्क्रिप्ट लिख लो और उसको चला लो, आपकी मर्जी है, ठीक है? दोनों काम सेम होगा और सेम तरीके से ही चलेंगे। आप मेरी रिकमेंडेशन होगी कि जब आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जब आप सीख रहे हैं, तो आप ये यूज़ करें, आपको ज़्यादा आसान होगा और बहुत तेज़ी से आपको आउटपुट मिल जाता है। जब आप ये सीख जाएं, अब आप बोलेंगे यार मैं इसको कोई इसका फंक्शन बना के देखता हूँ, तो आप फिर यहाँ पे आ जाएं, ये आपका VS कोड पे, ठीक है? यहाँ पे एक पूरा एक फंक्शन लिखें और फिर उसे चलाएं। अभी हम देख रहे हैं स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग सबको याद है क्या था? स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर आप कुछ भी सेव कर सकते हो, सही है? लेकिन वो ABCD हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, और जो आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं कीबोर्ड पे जो कुछ भी है वो आप स्ट्रिंग के अंदर सेव कर सकते हो। लेकिन स्ट्रिंग नंबर नहीं होता। अगर स्ट्रिंग में ये भी लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने, अब तो आपको वेरिएबल बताना आ गया है, वार लिखना है, ठीक है? अब ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। माई नेम लिखा मैंने इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3, तो ये 1 2 3 अब नंबर नहीं है, ये क्या है? स्ट्रिंग है, सही है? ये प्रोग्राम होने वाली बात, एक साथ सबने बोला, ठीक है? तो ये स्ट्रिंग सेव हो गई। अब मजे वाली बात है कि हमारे पास कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं। मेथड फंक्शन का ही दूसरा नाम है। एक फंक्शन को मेथड कब कहते हैं? जब वो किसी क्लास के अंदर बनाया गया। अभी मैंने बड़ी लंबी चौड़ी बात कह दी है, लेकिन इसका मतलब आपको आगे चल के समझ आ जाएगा कि इसका कहने का क्या मतलब था। एक सिंपल फंक्शन फंक्शन ही होता है, लेकिन वो मेथड तब कहलाता है जब वो किसके अंदर बना हुआ? क्लास के अंदर। आप क्लास बनाना सीखोगे और आपको पता लगेगा कि क्लास क्या होती है, और जब आप क्लास पढ़ोगे और फंक्शन पढ़ोगे तो आप बोलोगे यार क्लास इन्होंने बनाई क्यों थी। लेकिन जब मैं आपको बोलूँगा कि पूरी की पूरी जावा में होते ही क्लासेस हैं, तो आप बोलोगे मैं जावा तो कभी नहीं पढ़ रहा। तो दो तरह की ये मैंने आपको बताई थी, एक फंक्शनल होती है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। तो जो जावास्क्रिप्ट थी वो पहले फंक्शनल के तौर पे आई, लेकिन जब लोगों ने बोला कि नहीं यार, जो जावा पढ़ रहे थे उनको आदत थी किसकी? क्लास की। तो जावास्क्रिप्ट वालों ने उसमें क्लासेस भी लगा दी। उन्होंने बोला जिसको फंक्शनल इस्तेमाल करनी है फंक्शनल इस्तेमाल करो, जिसको क्लास इस्तेमाल करनी है क्लास इस्तेमाल करो। अब क्लास और फंक्शंस क्या हैं ये आप आगे पढ़ोगे, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है अब तो।
ठीक है। तो सबसे पहला जो अगर आपके पास मेथड है, किसका मेथड? स्ट्रिंग का, सही है। या आप ऊपर हेडिंग डाल रहे हैं स्ट्रिंग मेथड, तो वो है डॉट लेंथ। ये आई थिंक मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब लेंथ आपको क्या बताता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, सही है। अब कैरेक्टर्स में ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक बंदे ने मुझसे पूछा था स्पेस बार का। अब अगर मैं दोबारा अपना ये फंक्शन कॉल करूं, सॉरी वेरिएबल, तो मैं इसको कहता हूं, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक चीज देखी कि मैंने यहां पे वार लिखा, यहां पे वार नहीं लिखा, ये बात नोट किया आपने? ऊपर मैंने वार लिखा है, नीचे नहीं लिखा। उसकी वजह क्या है कि वार वेरिएबल डिक्लेयर करता है। डिक्लेयर करने का मतलब है कि जब आप नया वेरिएबल बनाने लगते हो तब आप क्या इस्तेमाल करते हो? बार। यानी कि आपने जावास्क्रिप्ट बता दिया कि ये नया वेरिएबल है जो मैं बना रहा हूँ। लेकिन अब आप अगर आपको वेरिएबल की उसकी वैल्यू चेंज करनी है तो आपको वार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिंपली वो एक वेरिएबल बना हुआ है, उसकी वैल्यू क्या कर रहे हो? तब्दील कर रहे हो, सिंपल, सही है। तो आपने ये लिखा, अब आपने माई नेम डॉट ये लेंथ किया, तो आप देख रहे हैं कि उसमें फोर आ गया, क्योंकि बीच में क्या है? स्पेस है। तो ये लेंथ पहला है। अब आप स्ट्रिंग मेथड्स में देखें तो पहला इसमें क्या बता रहा है? स्लाइस बता रहा है। इसके अंदर ये जो लिस्ट है ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, उसको इतना कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये वाला अच्छा है, डॉट रिप्लेस। तो अब हमारे पास एक आता है स्ट्रिंग वार कंट्री पाकिस्तान वन, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कंट्री डॉट रिप्लेस ठीक है। एक तो यहाँ पे नजर भी नहीं आ रही है, क्या है? ठीक है, अब मैंने क्या किया है, किसी को समझ में आ रहा है? बहुत आसान है वैसे, ठीक है। अब आपके पास यू चक्कर क्या है, अब आप एक काम कर रहे थे, सही है, सर्वर से आपके पास डेटा आ रहा था, डेटा में आपके पास स्ट्रिंग आ रहा था। अब स्ट्रिंग में इशू यह है कि जब आप HTML में इसको डिस्प्ले करवा रहे थे तो कोई भी एक कैरेक्टर ज़्यादा आ रहा था जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान आ रहा था कंट्री में, लेकिन उसके साथ एक वन आ रहा है। अब सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें ये वन ऐड हो गया हो, कि कहीं पे भी ऐड हो गया, लेकिन ये आपको तो नहीं चाहिए। तो आप उस केस में क्या करते हो, आप स्ट्रिंग में ये मेथड इस्तेमाल करते हो डॉट रिप्लेस का। पहले आप क्या लिखते हो कि जो आपको स्ट्रिंग ढूंढनी है, आप उसको बताओ कि मुझे कौन सी ढूंढनी है, वन। और दूसरे में आप उसको बताते हो कि उसको रिप्लेस करो किससे। अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया, स्पेस भी नहीं है, मैं स्पेस दूंगा तो वो स्पेस कर देगा यहाँ पे, तो वो सिंपली वहाँ पे रिप्लेस कर देता है। ये इस डॉट रिप्लेस का फंक्शन है, ये बहुत यूज़ होता है पाइथन में भी, सेम है एग्जैक्ट तरीका, कोई फ़र्क नहीं, सही है। तभी मैं देख रहा था कि ये चलता है कि नहीं, क्योंकि मैं ये देख रहा था पाइथन में मैं बिल्कुल ऐसे लिखता हूँ अगर मुझे ये रिप्लेस यूज़ करना होता है। एक बहुत बेसिक फंक्शन है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब अगर आप इसको दोबारा कंट्री को देखें, अगर आप दोबारा, अच्छा ये वाला काम अगर आप जावास्क्रिप्ट में करेंगे तो ये नहीं आएगा कि आपने कंट्री लिखा और नीचे वो आपको बता रहा है कि इसके अंदर वेरिएबल के अंदर क्या सेव हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ इस कंसोल में पता लगता है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इसमें आपको कंट्री करना पड़ता है। ये बात समझ आ रही है? आप जस्ट वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वो वहां पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, सही। ये सिर्फ कंसोल में होता है यहां पर। तो अब मैंने लिखा कंट्री, अब मजे की बात है कि मैंने कंट्री लिखा तो उसने क्या बोला, पाकिस्तान वन। ये तो काम खराब हो गया, मैंने ये जो लगाया ये क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह क्या है कि ये जो मेथड्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं
जो वेरिएबल की वैल्यू को तब्दील करते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं करते हैं, इसको हम कहते हैं म्यूटेबल इम्यूटेबल। ठीक है, मोस्टली जो आपको दिखेंगे वो इम्यूटेबल दिखेंगे, यानी कि वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, उसका वहीं पे बस आउटपुट बदल देंगे। सही है। अब इस केस में आप क्या करते हो, इस केस में आप सिंपली क्या करते हो कि जब भी आप इस पे अंदर कोई मेथड लगाओ, तो जो अपना इसको देखो ना, इसको हटा दो, ये कंट्री ये कर दो आप। सही है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो मेरा कंट्री वेरिएबल है, इसमें वैल्यू सेव करो कौन सी, जो इसके बाद बने, समझ रहे हैं। अब ये आप एल्गोरिथम बना रहे हैं, आपने पहले एक स्ट्रिंग बनाई, एक वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग रखा, सही है, उसके ऊपर आपने एक मेथड अप्लाई किया और उसको सेव करा लिया किसमें, कंट्री के अंदर। तो ये आपका स्ट्रिंग मेथड है, और अब हम उसको ट्राई करते हैं और हम कंट्री लिखते हैं, तो नीचे आपके पास क्या आ रहा है, किसको नहीं, ये सेव हुआ हुआ है, मैं सिर्फ क्लीन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, वो पीछे सब कुछ है अभी भी। ठीक है, वेरिएबल डिलीट नहीं होते, वेरिएबल तब तक डिलीट नहीं होंगे जब तक आप इसको क्लियर नहीं करते, समझ रहे हैं। ये बात तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, मैं यहाँ से इसको क्लीन कर रहा हूँ, यहाँ से ये बना हुआ है ना क्लियर काउंसिल, इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी पीछे मैंने लिखा था वो डिलीट हो गया, वो सिर्फ क्लीन हुआ है सामने से, वो पीछे है। तो सिंपल आप उसको लिख लो, ये ऊपर वाली की जो होती है ना अप एरो, उसको दबाओ, वो आपको बताएगा कि आपने ऊपर क्या क्या लिखा था, सारा एक साथ वापस नहीं आएगा, अभी इतनी दो नहीं आई हुई, इतने मजे नहीं आ रहे, जस नहीं आई। तो ये था रिप्लेस, एक बड़ा जरूरी बहुत यूज होने वाला मेथड है। सही है। उसके बाद मैं देखूं इसमें ये पाइथन वाला काम होता है कि नहीं, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। आई थिंक इधर इन्होंने मेंशन किया है, ये तो सब स्ट्रिंग है, ये तो स्लाइस मेथड है, आई थिंक इन्होंने ये नहीं बताया क्या। हाँ, किसमें मतलब, हाँ, वन नहीं आएगा। सही है। अच्छा, अब ये आप एक चीज़ देख लें, ये इसमें नहीं लिखी है, इधर इधर W3 स्कूल वालों ने नहीं बताई, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है और यूज़ होती है। उसकी वजह क्या है कि कंट्री, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा पाकिस्तान नहीं, मुझे इसका एक कैरेक्टर चाहिए। एक करेक्टर का क्या मतलब है कि ये पाकिस्तान है, मुझे देखना है कि पहला इसका कैरेक्टर क्या है। सही है। तो मैं क्या करूंगा, ये कर्ली ब्रेस, ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा और जीरो लिखूंगा। ठीक है। अब मैं एंटर करूंगा तो नीचे क्या कह रहा है, वो पी, इसी तरीके से वन करूंगा तो वो ए बताएगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर इसको टू करूंगा तो के बताएगा, यानी कि वो पाकिस्तान का एक एक करेक्टर इससे दिखा रहा है। सही है। इसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। बेसिकली क्या है कि हम एक करेक्टर को स्ट्रिंग में से निकाल के ला रहे हैं। ठीक है। तो ये एक मेथड होता है जो कि मैं बहुत यूज करता हूँ, ये आप इसको देख लें। हाँ, स्प्लाइसिंग कहते हैं उसको, वो स्लाइस में आएगा, वो आगे आएगा, वो एक और मेथड है, लेकिन अगर आप जस्ट फर्स्ट चाहिए तो ये है। उसके अलावा एक और है यार, ये क्लियर, एक तो ये पाइथन का है, ये कंट्री डॉट टू अपर केस। ठीक है। ये एक और स्ट्रिंग मेथड है, ये अपने पास लिख लें। अब ये टू अपर केस क्या कर रहा है, वैसे तो आपको दिख रहा है, चीते लोगों को बताने की जरूरत तो नहीं है, बस। हाँ, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको ये कर दोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। कौन सी वैल्यू दी हुई है ना, ये मैंने खाली छोड़ा हुआ है,
ये आपको पता लगेगा, ये फंक्शन जब कॉल होता है ना तो ये ब्रैकेट आएंगे। अभी अगर आपने देखा हो तो मैंने जितने भी ऊपर फंक्शंस कॉल किए उसमें ये ब्रैकेट था। तो जब भी आपको फंक्शन कॉल करना होता है जावास्क्रिप्ट में तो उसके आखिर में क्या आता है, ये दो ब्रैकेट। अगर कोई आपको उस फंक्शन को कोई वैल्यू देनी है तो वो आप इसके अंदर देते हो, ठीक है। ये फंक्शन जब आप बनाने लगोगे तो आपको ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वैसे अगर आप इसमें कंट्री डॉट रिप्लेस करके अगर इसको ब्रैकेट हटाओ और इसको एंटर करो तो वो आपको नीचे क्या बताएगा कि ये फंक्शन है, एफ दिखा रहा है वो कहेगा आपने फंक्शन चलाया नहीं, सिर्फ फंक्शन को कॉल कर लिया है क्योंकि आपने वो ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है। फंक्शन को रन करने के लिए ब्रैकेट डालना ब्रैकेट लाजमी है, लाजमी। तो ये है। और इसके अलावा अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि टू अपर केस के बाद क्या आ सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा ना चीते लोग सबको लोअर कर देगा। तो अपर केस, लोअर केस, अगेन ये आता है कब, अब सर्वर से डेटा आ रहा है, सही है, डेटा आ रहा है, एक हेडिंग देनी है। हेडिंग में आपने इस तरीके से सेटिंग बनाई हुई है कि वो सारे क्या है, कैपिटल लेटर। तो डेटा पीछे से जैसे ही आएगा तो आप लोग उसको खुद ही जावास्क्रिप्ट में प्रोसेस कर लोगे और उसको आगे ही भेजोगे इस तरीके से कि वो कैपिटल होके ही जाए, सही है। ये डेटा पार्सिंग कहलाता है बेसिकली। ये स्ट्रिंग मेथड्स में आप जो भी पढ़ रहे हो ये डेटा पार्सिंग का हिस्सा है, ठीक है। तो क्विकली आपने ये पढ़ लिया। और इसके अलावा जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं स्ट्रिंग में, आई थिंक वो कंट्री इज इक्वल्स टू, अब मैं इसकी दोबारा वैल्यू बदल रहा हूँ, पाकिस्तान, ठीक है। तो मैंने आगे पीछे स्पेस दी है, ये आपको दिख रही है। अगर मैं इसको कहता हूँ कंट्री डॉट ट्रिम तो फर्क महसूस हुआ, स्पेस खत्म, लेकिन कहाँ कहाँ से, दोनों तरफ से, ठीक है, गैप कम नहीं करेगा बिल्कुल। अब इसको, ये बहुत अच्छा केस है। अच्छा मजे की बात, अगर मैं कंट्री लिखूंगा तो स्पेसेस होंगी या नहीं, मैंने चला दिया कंट्री डॉट ट्रिम। अब मैं कंट्री लिखूंगा तो इसमें कुछ आएगा क्या, बीमारी हो गई इसको। हाँ लेकिन मेरा मेरा सवाल है कि मैंने, अब मैं कंट्री लिखूंगा वेरिएबल, मतलब कंट्री देखूंगा कि कंट्री के अंदर क्या वैल्यू है, तो उसके अंदर जो पाकिस्तान आएगा उसमें स्पेस आएगा या नहीं, मेरा सवाल ये। नहीं आएगा सर, स्पेस नहीं आएगा, कितने कह रहे हैं नहीं आएगा क्या। तुम जवाब सही है। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर अभी भी स्पेसेस हैं। उसकी वजह क्या है कि मैंने कंट्री डॉट ट्रिम सिर्फ चला के आपको दिखाया है, कंट्री डॉट ट्रिम को किसी के अंदर सेव नहीं कराया मैंने। अगर मैं ये भी करूं कि कंट्री टू, ये एक मैंने नया वेरिएबल बना लिया, अब मैं इसको करूँगा वार, ठीक है। मैं कहता हूँ कि कंट्री टू किसके बराबर है, कंट्री डॉट ट्रिम के, ठीक है। अब जो मैं कंट्री टू चलाऊंगा तो उसके अंदर पाकिस्तान ही सेव हुआ लेकिन विदाउट स्पेसेस। ये बात अब समझ आ रही है आपको। इनको जब मेथड आप लगा रहे हैं जो इसका आउटपुट है आपको उसको कहीं ना कहीं सेव करना है, सही है। दोबारा कह रहा हूँ, कुछ म्यूटेबल होते हैं कुछ इम्यूटेबल होते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स आएंगे आप देखेंगे कि वो वेरिएबल के अंदर को डायरेक्टली वैल्यू को चेंज कर देगा, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। वो एरे मेथड्स में भी आएंगे। तो भी चलेगा, तो वो सेव हो जाएगा कंट्री के अंदर। बस ये लॉजिक है कि आप किसी भी वेरिएबल में कुछ भी सेव करा सकते हो। अब ये मसला होता है फंक्शन का। फंक्शन में अगर कोई चीज़ वो आपको कहता है कि मुझे दो, उसकी, अब इसकी एग्जांपल क्या है, अभी आपने पढ़ा कंट्री डॉट रिप्लेस, ठीक है। बाकियों की तरह ये भी एक मेथड है, इसी का भी ब्रैकेट है, लेकिन इसमें है कि भाई इसमें आप कुछ ना कुछ दोगे तो वो कुछ काम करेगा,
लेकिन अगर आपने चला दिया तो उसने वैसे का वैसा लिख दिया। तो यहाँ पर आपको ये फंक्शन ऐसा बनाया हुआ है कि वो कह रहा है कि आप इसमें दो वैल्यू पास कर सकते हो, कौन कौन सी, सर्च वैल्यू और रिप्लेस वैल्यू। बिल्कुल ये वही फंक्शन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, उसमें सिंपल सा फंक्शन होता है फाइंड एंड रिप्लेस, ये जावास्क्रिप्ट का फाइंड एंड रिप्लेस है। तो फंक्शन में आप कोई वैल्यू उसके ब्रैकेट के अंदर तब दोगे जब आप उसको जब उस फंक्शन ऐसा लिखा गया कि वो आपसे वो वैल्यू मांगे। अगर मैं आपको क्विकली ये चीज़ दिखाऊँ तो उसके कहने का कुछ मतलब ऐसा है कि अगर मैं कहूँ माय फंक, एक मेरा फंक्शन है, ठीक है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन, ऊपर जो फंक्शन हमने बनाए यूज़ किए हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखे गए होंगे सेम। अब जिन फंक्शन में ब्रैकेट में कुछ भी नहीं दे रहे ना, इसका मतलब है कि जो प्रोग्रामर जिसने फंक्शन बनाया था उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगा। अब यहाँ पे मैं कोई चीज मांग लूंगा ना तो ऊपर कंपलसरी हो जाएगा कि अब कोई डेटा दो। खैर जब आप फंक्शन बनाना सीखोगे, इसको मैं बता रहा हूँ और डिटेल में आप पढ़ लो कि मैं कहीं पे उसके ब्रैकेट के अंदर कुछ दे रहा हूँ कुछ नहीं दे रहा, इसका क्या मतलब है। ठीक है, बेसिकली इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं, फंक्शन पैरामीटर्स। इसके दो नाम होते हैं, एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, एक फंक्शन पैरामीटर्स। दोनों एक ही चीज़ है लेकिन उसको यूज़ अलग अलग मौक़ों पे किया जाता है। ठीक है, जिसकी बात आप कह रहे हो, फंक्शन उसके ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू नहीं दे रहा हूँ कभी दे रहा हूँ, ये बेसिकली पैरामीटर्स है। ये इस पर डिपेंड करता है कि जिसने वो फंक्शन लिखा है उसने क्या कुछ मांगा है। अगर कुछ मांगा है यानी कि कुछ पैरामीटर मांगा है तो आप उसको दोगे, अगर उसने नहीं मांगा तो उसको नहीं दोगे। जैसे कि आपने ये किया था, अलर्ट। अलर्ट एक मज़े का फंक्शन है। अगर आप अलर्ट को ऐसे ही चलाओ, खाली आ गया, ठीक है, आपने ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये प्रोग्रामर ने इसके अंदर एक फैसिलिटी रखी थी कि अगर आप फंक्शन के अलर्ट के अंदर ब्रैकेट में अगर आप उसको कुछ भी पास करते हो, ठीक है, तो तब अब आप हेलो चलाओगे तो वो वहाँ पे प्रिंट करेगा, यानी यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, जब भी मैं प्रिंट लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ वो समझ जा रहा है पाइथन में प्रिंट कॉन्सोल लॉग को ही कहते हैं। जब हम कॉन्सोल लॉग वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कह रहे हैं, पाइथन में हम उसको प्रिंट कहते हैं, लेकिन मुझे प्रिंट ज़्यादा अच्छा लगता है, छोटा सा कॉन्सोल लॉग बोलने में 2-3 सेकेंड लग जाते हैं। ठीक है, खैर तो ये आपके हो गए क्या स्ट्रिंग मैथड्स। कौन कौन से आप जहाँ हमने पढ़ लिए, रिप्लेस पढ़ा, लोअर केस, अपर केस, फ्रेम और लेंथ। ठीक है, बहुत आसान है लेकिन यूज़ होने वाली चीज़। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए जो आप यूज़ करते हो। उसके बाद ये कॉनकैटिनेट वाला एक फंक्शन है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं यूज़ किया, लेकिन फिर भी अब लिखा है तो आपको पढ़ा देते हैं। कॉनकैटिनेट वाला करवाया था सर, किया ना, इसके दो लिखने के तरीके होते हैं। मैं ये वाला इस्तेमाल करता हूँ जो शायद मैंने आप लोगों के सामने भी यूज किया था। मैं कह देता हूँ ए इज इक्वल टू हेलो, बी इज इक्वल्स टू वर्ल्ड। ठीक है, मज़े की बात है, मैंने वार नहीं लिखा फिर भी वेरिएबल बन गया, ये बात आप देख रहे हो। अगर मैं ए करूँ तो उसके अंदर वाकई वैल्यू सेव हुई है। ये रिकमेंडेड वे नहीं है क्योंकि हम लोग कॉन्सोल में काम कर रहे हैं, तो वो आपके बेवकूफ़ियों यानी मेरी सॉरी बेवकूफ़ियों को वो समझ रहा है कि इसने वार नहीं लिखा। सही है, ये कोई पाइथन वाला आ गया, पाइथन में आपको वार नहीं लिखना होता, आप डायरेक्ट लिख देते। तो खैर, लेकिन ये इस तरह पॉसिबल है, आप ये वीएस कोड में ना कीजिएगा। सही है, वीएस कोड भी चला देगा, वीएस कोड भी ऑटोमेटिकली वो सेव कर लेता है, लेकिन ये एक कन्वेंशन नहीं है, लेकिन अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। खैर, तो अब मैंने दो वेरिएबल बनाए, कौन कौन से, ए और बी। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि सी जो है वो बराबर है किसके, ए प्लस बी पे। इसको क्या कहते हैं मैथ्स में, नहीं इसको एक बहुत अच्छा था ना, इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी देन ए इज इक्वल्स टू सी।
अच्छा सॉरी, ये ए प्लस बी कर दिया मैंने, अब मैं एंटर दबाऊं तो उसने क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड। इस पूरे प्रोसेस स्पेस देना चाहिए, वो भी आप सी कर लो। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेटिनेशन, कॉनकेटिनेशन, सी ओ एन सी ए टी, कॉनकेट। ये वैसे शॉर्ट फॉर्म कॉनकेटिन सही अच्छा है, ये भी यूज होता है। ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, बिल्कुल है। अब हाँ, ये एक तरीका है, मुझे ज़्यादा इजी यही लगता है कॉनकेटिनेशन का, और समझ भी आता है कि हो क्या रहा है। ए और पी प्लस हो जाएगा, नीचे बिल्कुल प्लस हो गए, वो सी में सेव हो गए। ये बात समझ आई ना, सी में सेव हो गए। एक और इनका एक मेथड है, अभी भी अगर आप ए को दबाओ तो उसमें हेलो ही है, ठीक है। तो इसका एक और तरीका है यार, ये क्लियर नहीं, इसका ए डॉट कॉनकेट, ठीक है, इसके अंदर आप क्या कह रहे हो बी, तो नीचे क्या आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये बिल्कुल वही कन्वेंशन है मेथड्स वाली जो हमने दूसरी यूज़ की, ट्रिम यूज़ की, लोअर अपर केस यूज़ की, तो ये वही तरीका है, लेकिन काम ये क्या कर रहा है, डॉट कॉन्केटिनेशन। अब ये मुझे पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है, खामा खाई क्यों टेंशन पाले, जब हमें पता है कि ए प्लस बी कर लो तो वो प्लस हो जाए, सही है। आप लोगों की मर्जी है, आप ये वाला यूज़ करें या वो वाला यूज़ करें, प्लस वाला बहुत ज़बरदस्त है, आप हेलो प्लस वर्ल्ड प्लस सुफा भी कर लो तो भी काम चल जाएगा, उसमें जितने भी प्लस करते जाओ वो प्लस कर लेते, ठीक है। ऐसे हम लोग पाथ बनाते हैं, पाथ समझ लो रास्ता, ये है ना, ये पाथ है, ठीक है। तो जब भी हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू किसी को प्रोग्राम को कोई फाइल बतानी होती है तो हमें उसका पाथ बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि उसका फाइल नेम ये है, ठीक है, वो इस फोल्डर में पड़ी है, तो हमें वो पूरा प्लस करना पड़ता है। हम उसको प्रोग्राम को बताते हैं कि पहले यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ। तो कॉनकेटिनेशन जैसे मैंने वहाँ ज़्यादा यूज़ करते हुए देखी है, वैसे भी आप कहीं भी अगर आपको यूज़ करनी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। एक और वैसे पाइथन में काम होता है, देखते हैं इसमें होता है कि नहीं। हो रहा है। वैसे ये पाइथन का काम है, ये वाला जो नोटेशन है ना, ये एक सिंबल है, प्लस है इक्वल टू। तो ये हम तब यूज करते हैं कि जब हमें पता है कि हमें मुझे इन दोनों को प्लस करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ए में सेव भी हो जाए, मुझे एक और लाइन ना लिखनी पड़े कि ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये मैंने शॉर्ट में क्या कर दिया, ए इज इक्वल्स टू प्लस इक्वल टू, यानी कि ये बी जो है ये ए में इक्वल करो और जो उसका आंसर है वो ए में ही सेव करा दो, समझ गए। ये मैं पाइथन में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये अगर मैं आपको बताऊँ तो ये लूप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लूप मतलब समझते हैं आप, वन आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, ये उसमें बहुत यूज़ होता है। ये हम स्कोर प्लस करते हैं, अभी मैं चलो भाई नहीं वहाँ नहीं बैठू, मैं एक चीज़ भूल गया, मैंने लैपटॉप में एक मशीन लर्निंग का कोर्स चल रहा था और वो मुझे आते ही यहाँ पे बिजली में लगाना था, वो बंद हो गया। तो उस पर भी क्या चल रहे थे, लूप चल रहा था, वो लूप कितना चल रहा था 10,000 का, और जब मैं घर पे मैं निकला तो 3,000 हुए हुए थे, अब अलहमदिल्ला 3,500 तक रुक गया वाला। तो वो भी बेसिकली एक लूप है, और लूप बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लूप हो गए, फंक्शंस हो गए, यूजिंग मेथड्स हो गए, इनकी यूजेज है बेसिकली। उसमें मैंने एग्जैक्ट सेम चीज इस्तेमाल की है स्कोर को सेव करने के लिए, एक दफ़ा वो पूरा फंक्शन चलता है, ठीक है, एक स्कोर जनरेट होता है, एक स्कोर आता है, तो एक स्कोर हिस्ट्री का मेरे पास वेरिएबल है स्कोर हिस्ट्री। तो स्कोर हिस्ट्री में मैंने सेम यही चीज़ की है, स्कोर हिस्ट्री प्लस इक्वल टू स्कोर, मतलब पहले जो स्कोर हिस्ट्री थी उसमें प्लस कर लो ये वाला स्कोर। तो वो हर लूप में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि जब आप कोडिंग सीख जाते हो तो फिर आपको एक पढ़ाई जाती है रीफ्रैक्टर कोड, रीफ्रैक्टरिंग, हाँ मतलब मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन इसका सिंपल मतलब ये होता है, जब आप एक दफ़ा कोड लिख लो, जब आप कोड लिख रहे होते हो तो आपका एक मकसद होता है कि किसी तरीके से चल जाए,
ठीक है, जब आप एकदम वो कोड चला लेते हो फिर आपका मकसद होता है कि सबसे पहले उसको कॉपी करके रखो सही, ताकि उसके अंदर कोई भी दवाई हो तो वापस चले जाए। उसके बाद जब आप जो कॉपी वाले अंदर ओपन करते हो तो आपका दूसरा मकसद होता है कि इसकी लाइनें किसी तरीके से मैं कम करूँ, और जो फजूल में कोड ज़्यादा लिखा हुआ है अगर वो छोटा किया जा सकता है तो उसको वैसे कर। तो अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ तो पाइथन में ही बहुत ज़्यादा होता है, जावास्क्रिप्ट में बहुत कम होता है, क्योंकि पाइथन में ऐसी फैसिलिटीज हैं। अब जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट में लूप बनाओगे, पाइथन में भी वो लूप बनता है, अब वो जावास्क्रिप्ट में फर्ज करें वो लिखता जाता है 10-15 लाइनों पर, तो पाइथन में एक ही लाइन में हो जाता है, एक ही लाइन में सारा लूप चल जाता है। हाँ नहीं, आपको मैं साथ साथ बता रहा हूँ ना कि यह पाइथन में होता है, तो आपको दोनों चीज़ें पता लग रही हैं। वैसे अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ लोगे यार वो मसला ही नहीं है, सेम स्ट्रिंग मेथड्स वहीं भी है, सेम स्ट्रिंग मेथड वहीं है यार। मैं उनको बोला हुआ है मैंने कि कोर्स शुरू करो, मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वेब स्क्रैपिंग, क्योंकि वेब स्क्रैपिंग एक ऐसी फील्ड है कि अगर वो आपको आ गई ना तो अच्छी आ गई तो आप मतलब एक दो महीनों में ही उठ के आप काम शुरू कर सकते हो। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक इंडिया का लड़का है, वो हिमांशु नाम है आई थिंक उसका, तो मैंने फिवर पे आईडी बनाई थी, तो वो उसकी आईडी बहुत टॉप रेटेड है, तो मैंने नई नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा फिवर पे थोड़ा काम करके देखते हैं, तो उसने मुझे $30 का एक काम दिया था, तो वो हालांकि वो खुद भी फर्स्ट पेज पे टॉप पे है, उसको काम ज़्यादा मिल रहा होगा, तो उसने मुझे दे दिया कि भाई $30 दे रहा हूँ ये कर दो। मैंने कहा कर देता हूँ, मुझे रिव्यू चाहिए था, तो मैंने कर दिया, काम हो गया। तो अब वो उसके मैसेज आते रहते हैं कि भाई ये वाला काम आया हुआ ये कर दो, क्योंकि उसे पता है कि मैं $20-30 में कर दूंगा, क्योंकि मेरी आईडी पीछे उसकी आगे, उसका भी काम हो जाएगा, उसको पैसे मिल जाएंगे, मुझे भी मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे ये डिमांड है वेब स्क्रैपिंग की, वो बंदा खुद है वो काम कर रहा है, लेकिन उसके पास इतना काम है कि वो दूसरे लड़के ढूंढ रहा है कि वो काम हो जाए, लेकिन मसला है कि स्किल। अब वेब स्क्रैपिंग ऐसी साइंस है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, आपको कहीं भी ऑनलाइन नहीं मिलेगा कि मैं इस वेबसाइट को कैसे स्क्रैप करूं, आपको खुद सोचना पड़ता है, उसका HTML कोड सर्च करना पड़ता है। अब ये आपको आपकी HTML और CSS की नॉलेज आपको फ़ायदा देगी वेब स्क्रैपिंग में, और जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी बहुत। यार अब ऐसे है कि जैसे Amazon है, Amazon.com पे तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, अब किसी ने Amazon जैसी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है तो शुरू में वो सारा कहाँ से डेटा लाए, इतना ज़्यादा इतने हज़ारों प्रोडक्ट, तो वो क्या करता है कि वो Amazon जैसी वेबसाइट है ना उसको स्क्रैप कर लेता है, मतलब सारा डेटा सेव करते हुए जाते हैं डेटाबेस के अंदर, फिर उस डेटाबेस से हम वो वेबसाइट कनेक्ट कर देते हैं जो उस बंदे की है, तो जो वेबसाइट जो प्रोडक्ट दिखा रही होती है ना, हालांकि उसकी HTML CSS बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, लेकिन सारा डेटा कहाँ से रहा होता है, Amazon से या किसी भी और से, तो एक तरह से मिरर टाइप है। लेकिन ये वेब स्क्रैपिंग है, लेकिन ये वेबसाइट्स जो हैं इसको लीगल नहीं मानती। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट USA ने कहा है कि ये बिल्कुल लीगल है, उसकी वजह ये, वो कह रहे हैं कि आप फ्रंट एंड पे जो डेटा दिखाते हैं वो पब्लिक के लिए, वो आपने पब्लिक कर दिया, अब अगर वो उस फ्रंट एंड से कोई उठा ले रहे हैं तो आप उसको रोक नहीं सकते, सही है। तो इस पे वो LinkedIn हार गई है केस, LinkedIn एक पूरी कंपनी है जो चलती ही LinkedIn की वेब स्क्रैपिंग्स है, और वो कोई पता नहीं $40-45 million की कंपनी है, तो LinkedIn ने बोला भाई मेरी वेबसाइट ये $45 million क्यों सालाना कमा रहे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई जो डेटा आपने पब्लिक के लिए लाइव किया हुआ है ये उठा सकते हैं, ये भी पब्लिक में शामिल है, तो वो केस हार गए वैसे। लेकिन वेबसाइट्स पूरी कोशिश करती हैं कि आप उनका डेटा ना उठा पाओ, अब उन्हीं से लड़ना ही ये पूरी साइंस है, उनसे लड़ना पड़ता है, उनकी वेबसाइट पर आपको रोक बार बार रोकेगा, वो आपको पहचान लेगा, बोलेगा तुम बॉट हो, आपके पास एरर आता है कि तुम बॉट हो, वेबसाइट ही नहीं खुलती, फिर उसको अब कैसे ब्रीच करना होता है, ये साइंस है, लेकिन ये सीखा जा सकता है। आई थिंक मैंने 2 महीने में सीखा था, तो लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब स्ट्रिंग मेथड्स में एक ही रह गया, ये सारे ऐसे ही हैं, एक रिप्लेसिंग वाला इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद अपर केस लोअर केस आपने पढ़ लिया, कॉन्केट पढ़ लिया आपने, ट्रिम पढ़ लिया आपने,
सही है, पैडिंग इसको भी छोड़ दो, ये फजूल है, खामखा कॉम्प्लिकेट करेगा मामला को। वो कहाँ था, स्प्लाइस, स्लाइस ये रहा, ठीक है। अब स्लाइस क्या कर रहा है, ये इनका सवाल था, जब मैंने उसको ब्रैकेट बना के उसमें जीरो लिखा था वो पी आया, तो उन्होंने पूछा कि अब मैं यहाँ से यहाँ तक उठाना चाहता हूँ तो वो स्लाइसिंग है, ठीक है। तो ये स्लाइस का मेथड यूज होगा, बहुत आसान मेथड है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कहाँ गया वो, ठीक है। अब कंट्री ये आ गया, अब मैं इस कंट्री को मैं ये यूज़ नहीं कर सकता वरना एरर आएगा, आपको समझ नहीं आएगा। कंट्री टू, कंट्री टू में हम लगाते हैं डॉट स्लाइस। अब ये वाला मेथड है जिसको कोई ना कोई वैल्यू चाहिए काम करने के, ठीक है, ये खाली ब्रैकेट में कुछ नहीं करेगा। तो अभी इसको ज़ीरो कॉमा थ्री, सही है, वही हो गया। मैंने इसको क्या बोला, ये ज़ीरो पे जो वैल्यू पड़ी है, एक तो वो और जो थर्ड तक वैल्यू है वहाँ तक मुझे ले आ। अब इसको ज़रा गिनती करें आप, ये ज़ीरो वन टू, सही है। तो पहली क्या मैंने शुरू की, कितनी मुझे वैल्यू हमारे पास आ गई, ये बेसिकली इंडेक्स, जो ये एरे का फंक्शन है इस तरह से, ये जीरो से तीन, मतलब कोमा तक, जीरो से लेकर तीन तक, जीरो से लेकर तीन तो में तीन शामिल नहीं होगा, ये बात आप बस याद रखिएगा। मैं इसको बताता हूँ ये क्या है, पहले जो गिनती है नंबर सिस्टम में वो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे होती है, प्रोग्रामिंग में ये गिनती नहीं है, प्रोग्रामिंग में जीरो वन टू थ्री है, सही है। जीरो पहला आता है, आप अभी समझ लेंगे, आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आपके पास गिनती क्या होगी, जीरो वन टू थ्री, हाँ इसके लिए बाइनरी, नहीं 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 ये बस सिंपली इनका कन्वेंशन है एरे का, ये एरे की कन्वेंशन, और एरे के कन्वेंशन सेम उसमें भी फॉलो होता है आपकी इसमें एरे मेथड्स में, एरे मेथड्स में भी सेम चीज यूज होगी। अब आपको क्या, वो क्या बोल रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। रेंजेस पढ़ी है, रेंजेस मैथ्स में रेंजेस पढ़ी है, मैथ्स ही पढ़ी है यार। देखो थोड़ा सा मैथ्स का लेक्चर है, एक लाइन अगर आपकी बनी हुई हो, ठीक है, वो लाइन शुरू हो रही है माइनस वन माइनस टू, सॉरी माइनस टू माइनस वन जीरो बीच में, फिर वन फिर टू, ठीक है, इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। अब इस पे हम लोग रेंजेस डिफाइन करते हैं, जैसे जीरो से लेके टू, ठीक है। तो मैथ्स में एक हमें बात पढ़ाई जाती है, इसको अगर आप थोड़ा बड़ा करें, मैं कहता हूँ कि जीरो टू टू, ये यहाँ जीरो टू थ्री एक रेंज है, ठीक है। अब इसके दो केसेस हो सकते हैं, पहला केस इसको अगर मैं यूं लिखूं, ठीक है, दूसरा केस इसको मैं यू लिखूं। अब ये रेंज क्या डिफाइन करती है, अगर ये वाला ब्रैकेट हो, ठीक है, उसमें दोनों रेंज के अंदर शामिल हो गए, ये कंडीशन क्या कह रही है कि या तो जीरो हो या जीरो से आगे हो या थ्री से कम हो, यानी जीरो से लेके थ्री, लेकिन जीरो थ्री समेत, ये तब होगा मैथ्स में जब ये वाले ब्रैकेट होंगे, इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट रेंज। देखो कि एक्सप्लिसिट उसमें ये वाले ब्रैकेट होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है जब ये ब्रैकेट लगे हुए होंगे ना, इसका मतलब होता है कि जीरो से थ्री तक की रेंज है, लेकिन जीरो थ्री उसमें शामिल नहीं है, मतलब जीरो से आगे थ्री से कम, लेकिन जीरो थ्री शामिल नहीं है, मतलब आपकी वैल्यू शुरू कहाँ से होगी, वन और टू, सिर्फ दो इसमें आएंगे। ये मैथ्स में बेसिकली बात होती है, वैसे ये ओ लेवल्स में होता है, ये ओ लेवल्स है, ओ लेवल्स की बुक तभी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैथ्स की ओ लेवल की जो बुक है वो बहुत ज़बरदस्त है। क्या नहीं, हाँ मैथ्स यहाँ पर कुछ ऐसे मेथड्स हैं जहाँ पर ये होता है कि ये इसके अब दो मतलब हो सकते हैं, ठीक है, मैथड्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है, हो सकता है कि पहला वाला, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी मेथड पढ़ने का तरीका, सही समझ नहीं, आप स्लाइस नहीं पढ़ रहे, आप कोई भी मेथड पढ़ रहे,
अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, ये वैल्यू आपको ये पूछ रहा होगा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, ठीक है, शुरू कहाँ से करूँ, जैसे आपने बता दिया जीरो से शुरू कर, कितनी वैल्यूज लाऊं, आपने बता दिया कितनी वैल्यूज ले आओ, तीन वैल्यू, ठीक है। एक ये तरीका हो सकता है, एक ये तरीका हो सकता है कि वो आपसे रेंज मांगता है, ठीक है। अब रेंज में ये जावास्क्रिप्ट में पता नहीं क्यों ये कीड़ा है कि वो कुछ मेथड्स में ये वाला जो नंबर होता है ना इसको हटाता है लेकिन पहले वाले को शामिल करता है, ठीक है, मतलब जीरो को शामिल करेगा लेकिन थ्री खुद को, वैसे ये अगर मैं इसको दिखाऊं तो मैं, अब ये पी क्या है, ये है जीरो, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये ए है ये क्या है, वन, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका जीरो वन टू, जीरो वन टू, ये कहाँ तक जा रहा है, थ्री। तो जब भी आप रेंज दोगे ना रेंज, तो ये जो लास्ट वाला होगा ना नंबर, ये खुद शामिल नहीं होगा, सिर्फ जीरो वन और टू। इसका मतलब है अगर मैं फोर लिखूंगा तो क्या होगा, इसको ऊपर ले जाते हैं, अगर मैं लिखता हूँ फोर, अब उसने कितनी वैल्यू थी, फोर। अब इसमें मैंने जैसे कहा कि इसके मेथड के दो मकसद हो सकते हैं, जीरो की जगह अगर हम फोर लिखें तो फोर बाय फोर, वो कह रहा है कुछ भी नहीं है। तो इसका एक और हो सकता है, मैं इसको कह रहा हूँ फोर सिक्स, इसने क्या लिखा, एक और इसमें बड़ी जबरदस्त रेंज होगी जो आपका अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग हिला देगी, जो के यूज भी मजे की बात है, ज्यादा होती है, ठीक है। कि ये एक मिनट, हाँ एक यार, ये इसमें पता नहीं क्यों ये नहीं हो रहा, वैसे पाइथन में होती है। एक मिनट, इसका कोई तरीका होगा, शायद मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये मैं समझ रहा हूँ, पाकिस्तान, मुझे उसके आगे की वैल्यू देनी पड़ेगी, सही है। तो ये माइनस फोर और फोर से आगे, तो ये फोर से आगे क्या होगा, टोटल है टू नहीं थ्री नहीं फोर नहीं फाइव, फाइव सिक्स सेवन एट, एट आखिरी होगा, सही है। अब समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि माइनस जब आप डालते हैं ना तो नहीं, ये पी A K I S T A N, इंडिया क्यों पसंद है। अब देखिए ये जीरो है, सही है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये गिनती है अभी इन नंबर्स की। अगर मैं कहता हूँ माइनस फोर, तो माइनस फोर क्या होगा, वो पीछे से उठाएगा एंड से, ठीक है, लास्ट वाले। अब जैसे मैंने लिखा माइनस फोर, तो वो कहाँ गया, वो ये आपके देख लेंगे भाई, जीरो वन टू थ्री यहाँ माइनस फोर, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है तो माइनस फोर, तो वो पहले मैंने जीरो लिखा टू लिखा तो इसलिए नहीं दे रहा था कि मैं उसको यहाँ तक बता रहा, क्योंकि वो पढ़ ऐसे रहा है, जावास्क्रिप्ट ऐसे पढ़ रहा है, तो आपको उसके आगे की कुछ टर्म्स बतानी है, माइनस फोर से आगे कहाँ तक, बस ये आएगा। अब इसका यूज केस समझाता हूँ, ये पता नहीं, ये बकवास है। अब जैसे कि मैं स्कोर हिस्ट्री की मैंने बात की, ये मैंने एक्चुअल यूज किया, ठीक है, स्कोर हिस्ट्री में मैंने बताया, बार बार मुझे याद आ रहा है, बंद हो गया। तो स्कोर हिस्ट्री में मैंने क्या किया है कि अब देखो हर 10,000 एपिसोड है, सॉरी आइट्रेशन है, लूप्स है, उसमें एक वैल्यू सेव होती जाएगी, कब तक, जब तक 10,000 वैल्यू सेव नहीं होती, ठीक है। लेकिन मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ ना,
इसमें मैंने फंक्शन बनाया हुआ है ग्राफ का, तो ग्राफ किसका बनता है आखिरी 100 वैल्यूज का, ठीक है, आखिरी 100 वैल्यू का। अब मुझे नहीं पता कि ये लिस्ट कितनी बड़ी है, अभी कौन सा स्टेप चल रहा है मुझे नहीं पता, 3,500 चल रहा है, 4,000 चल रहा है, 4,500 चल रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए इस लिस्ट के आखिरी 100, तो मैं क्या लिख दूंगा -100, तो वो -100 में ऐसे करके 100 वैल्यूज उठा लेगा और उनका क्या बना देगा ग्राफ। ये इस माइनस का मतलब होगा, ठीक है, ये बेसिकली एरे, अभी आप आगे पढ़ोगे एरे में ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा, तब आप उसको सेम यहीं पे भी लगा दो सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन अभी आपने माइनस का यूज़ होता हुआ देखा कि यूज़ हो कैसे है। वैसे ये वाला माइनस वाला अगर मैं लैपटॉप मेरा आई थिंक वहाँ है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ वो -100 कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन मकसद यही है कि आप एंड से चेक करते हो 100 वैल्यूज, और उसका यूज़ केस मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मुझे लास्ट की 100 वैल्यूज चाहिए और मुझे नहीं पता कि इस वक्त लूप कितने नंबर पर है, तो अब वो कुछ भी नहीं देखेगा कि वैल्यू भले 10,000 है 15,000 है, वो देखेगा बस आखिरी की 100 उठा लो, सही है। तो ये माइनस का है, ये बड़ा यूज़ होता है वैसे एल्गोरिथम्स में, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर देखो इसने क्या यूज़ किया हुआ है, इसने बनाना उठाया हुआ है, इसको गिनती करके चेक कर लेना कि -12 और -6 कि सही बैठ रही है कि नहीं, ठीक है, वो काउंट होगा, स्ट्रिंग है, कॉमास भी काउंट होंगे, नहीं उसकी सिंपल तरीका ये है कि आप इसका ना वो देख लो डॉट लेंथ, डॉट लेंथ पहले देख लो कि लेंथ क्या आ रही है, फिर आप अपनी काउंटिंग करो, देखो आपकी काउंटिंग और उसकी लेंथ में मतलब एक जैसी है कि नहीं। एक गलती मत कर लेना कि आप 0, 1, 2, 3 से काउंट करोगे लेकिन वो जो लेंथ होगी उसमें 0 प्लस हुआ हुआ होता है, जीरो बड़ा परेशान करेगा, अभी तो एरे मेथड्स तो आए नहीं है भाई, ठीक है जी। अब ये स्लाइस तक आपके इनफ है स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, स्लाइस तक बहुत है, अभी आप लोग इतना स्ट्रिंग में पढ़ो बहुत ज़्यादा है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ, हाँ वैसे ही बुक का सीक्वेंस भी, और एक ये जो मुझे सही लगता है कि ये जनरल एक तरीका है कि आपको ये पहले बेसिक्स पता होनी चाहिए उसके बाद मैं फंक्शन में जाऊँ ना, ऐसे मैं पहले फंक्शन पढ़ा दूँ बाद में फिर मैं आपको बोलूँगा ये इसमें डॉट स्लाइस भी होता था, तो आप बोलोगे पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, सही है ये। अच्छा इसमें प्रॉम्प्ट होता है, तो प्रॉम्प्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, अब आपने वेरिएबल पढ़ लिया है, ठीक है, तो वेरिएबल पढ़ लिया है तो अब हम इस रिस्पॉन्स को सेव करना सीखते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट को थोड़ा यूज़ करना सीखते हैं उसके बाद आपका, ताकि कुछ ना कुछ तो बनना शुरू हो। अब प्रॉम्प्ट खुद भी एक फंक्शन है, ये प्रॉम्प्ट क्या है, फंक्शन, खुद भी एक फंक्शन है, आपने प्रॉम्प्ट यूज़ किया और आपने क्या लिखा, जो भी आपको मैसेज वहाँ डिस्प्ले करा है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ यूज़र नेम, और मैं ये वाला जो क्वेरी थी अपनी इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अखलाक, ठीक है जी, अखलाक आ गया, तो यहाँ पे अब मैंने ये यूज़र नेम गेट कर लिया, कहाँ से, प्रॉम्प्ट से, इसे ही ऐसे ही बिल्कुल। अगर मैं दोबारा लिख देता हूँ एज प्रॉम्प्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ से दोबारा लिख देता हूँ व्हाट इज योर एज, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 26, तो ये आ गए यहाँ पे 20। तो आप यूज़र से एक डेटा उठा रहे हो और उसको अपने वेरिएबल्स में सेव करा रहे हो, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अब एक और हम लोग इसमें चेंजिंग करते हैं, कहाँ पे बाहर नहीं देख रहे, क्या वार नहीं दे रहा, हाँ मतलब ये कंसोल है ना इस वजह से वार दो ना दो, खैर समझ जाएगा, इंटेलिजेंट है तो ये हमारी आदत खराब है।
वीएस कोड में ही देखेंगे। आई थिंक वो वीएस कोड भी उसको पढ़ लेता है, वीएस कोड एरर नहीं देगा, काम कर लेगा। लेकिन जब आप उसको दोबारा कोड को पढ़ने जाओगे तो आपको दिख जाएगा यार मैंने इसका वार नहीं दिया, वार दे दो। ठीक है, तो आपने ये दो चीज़ें कर ली। अब एक और चीज़ आपने क्या करनी है, अब आपने डेटा टाइप पढ़ा था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अब आपने ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, आप कह देते हो स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट की स्पेलिंग क्या है ये स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट में कर्ली ब्रेसेस होते हैं, ये हमने देखा था। स्टूडेंट का नेम वेरिएबल नहीं है, माय नेम, ये माय नेम क्या है, माय नेम क्या है, ये वो वेरिएबल है जिसमें मैंने प्रॉम्प्ट से डेटा सेव किया था, सही। अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा ऑब्जेक्ट के अंदर, डायरेक्ट उसका वेरिएबल पास कर रहा हूँ, ये बात समझ आ रही है, इसको ऊपर लाते हैं। एक और चीज, ऑब्जेक्ट में मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है, कॉलन होता है, तो ये इसकी क्या है, की, ये इसकी क्या है, वैल्यू है, ठीक है, नेम और वैल्यू, उसकी वैल्यू है। उसके बाद हम एक और इसमें बनाते हैं एज, सही है, तो मेरी एज ये थी, ये ऐसे हो गया, अरे भाई मिट गया हो, अभी चलें ये कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या बना लिया, एक सिंपल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या एक प्रॉपर्टी है, कौन सी, नेम के नाम। अब मुझे ये प्रॉपर्टी कहीं भी यूज़ करनी है, ठीक है, पूरे अपने कोड में, तो उसके यूज़ करने का क्या तरीका होता है, आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट नहीं, डॉट लगाएंगे और क्या लिखेंगे, वो उसकी की का नाम, की नेम। अब क्योंकि जितने भी इसके ऑब्जेक्ट बने हुए होंगे ना, 15 हो, 20 हो, 24 हो, उसके अंदर ये चीज़ सेम हो, की नेम होगा, सही है, और दूसरी की एज होगी। अब उसके अंदर डेटा चेंज हो रहा होगा, जो भी स्टूडेंट आएगा अपना डेटा सेव करेगा, उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, वो ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा। तो जब मैं ऑब्जेक्ट का वो नेम उठा रहा हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, स्टूडेंट डॉट नेम, तो मेरे पास डेटा ओपन हो जाएगा। जितने भी यूजर होंगे, जितने भी स्टूडेंट होंगे, सबके वो बेसिकली वो लूप चलाना पड़ेगा फिर आपको, ये ऐसे होगा। अब देखिए इन्होंने एक अच्छी बात की, इन्होंने डिज़ाइन की बात की, इन्होंने बोला कि अब क्या है कि भाई हमारे पास 15 बच्चे, ठीक है, 15 बच्चों का मैं ऑब्जेक्ट कैसे सेव कराऊंगा, वो हम आते हैं एरे पे। अब कौन से किसके मेथड आ गए, एरे मेथड्स। अब इसमें इन्होंने क्या क्या बताया, हाँ पॉपिंग और पुशिंग, सही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो होना ही चाहिए। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की एक कोड की कंडीशन है जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं की, मुझे यूज़ करनी चाहिए थी, कि उसकी जब भी स्टेटमेंट ख़त्म होती है, जब भी एक फंक्शन ख़त्म होगा, जब भी एक लाइन ख़त्म होगी, जब भी एक वेरिएबल ख़त्म होगा, मतलब एक आप लिखना ख़त्म कर दोगे, तो उसके हमेशा एंड में आप ये सेमी कॉलन ज़रूर लगाते हो, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट को बताता है कि यहाँ पर ये इस ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म होगा और वो आगे जाएगा, आगे पढ़ेगा। अब ये अलर्ट, यहाँ पे ये अलर्ट ख़त्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, सेमी कॉलन। तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन आपको याद होगी क्योंकि इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो वो लाइन बाय लाइन कब ख़त्म होगी, जब वो सेमी कॉलन देखेगा, वो बोलेगा हाँ इस लाइन में काम ख़त्म, अब वो दूसरी लाइन में जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलन लगाना ना भूलिए, ये वैसे जावास्क्रिप्ट की कन्वेंशन है, लेकिन जब आप वीएस कोड में जेएस लिख रहे होते हो तो कोई एरर नहीं आता, लेकिन आपको आई थिंक यहाँ से छोटी सी वार्निंग कहीं पे देता है कि आपका इसमें ये कॉलन नहीं लगे हुए, सही है, सेमी कॉलन। एक सिंपल सा एक डिज़ाइन का टूल है।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं अब एरे। एरे हमने डिस्कस की थी, ठीक है जी। अब एरे और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, और एरे और ऑब्जेक्ट दोनों क्यों है? अगर एरे है तो ऑब्जेक्ट क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर एरे बनाने की जरूरत पड़ी। अब देखें इधर, हाँ पहले क्या था, दोनों साथ है। अब देखें हुआ क्या, पहले हमें कोई एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए था जिसमें मुझे एक एक समझ लो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी हो सकता है, एक गाड़ी है, एक गाड़ी का नाम टोयोटा है, ठीक है, गाड़ी का एक इंजन नंबर है, चेसिस नंबर है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में सेव हो जाएगी, आपके ऑब्जेक्ट में जो अभी मैंने ये बनाया था, जैसे कि ये वाला है स्टूडेंट का, सही है। तो गाड़ी का एक नाम है, उसकी एज है, जो भी उसके मतलब एक प्रॉपर्टीज हैं वो उसमें आ जाएगी और उसमें सेव होती रहेंगी। एक दूसरी गाड़ी आई उसमें भी सेम वैल्यूज होंगी, वो भी सेव हो जाएंगी। इसी तरीके से आपका डेटा सेव होता रहता है, ठीक है। लेकिन ये कब मुमकिन है, जब मुझे पता है कि इस गाड़ी में ये है। लेकिन कोई ऐसी बात हो जाए कि मतलब अब मुझे नहीं पता कि मेरी क्लास में स्टूडेंट्स कितने होंगे, ठीक है, ये तो मुझे कन्फर्म नहीं है कि 10 होंगे, मतलब एडमिशन के बाद 10 आएंगे, 12 आएंगे, 15 आएंगे, 20 आएंगे, 25 आएंगे, कितने आएंगे, सही। तो मुझे जिसकी लिमिट नहीं पता, उस केस में हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे, एरे। एरे आपको ये आज़ादी देता है कि आप कितने भी उसके अंदर डेटा सेव करते जाओ, सही। उसको हम कहते हैं बेसिकली पुश। बहुत पॉपुलर एरे मेथड है। पहले तो ये मैंने एरे बनाना सीखा, बताया था ना ये, ठीक है। तो वैसे इसको अगर हम इसको कॉपी करें, ये टाइम बचेगा। तो हमने क्या किया, एक एरे कॉपी कर ली। एरे क्या है, फ्रूट्स, और अंदर फ्रूट्स के नाम है। अब ये एक एलिमेंट है, इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट, एरे एलिमेंट। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आपके एक्सेल के अंदर एक सेल होता है, एक रॉ होती है, कॉलम होता है, एक सेल होता है, उसी तरीके से ये एरे का क्या है, एक एलिमेंट, ठीक है। ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा, ये चौथा। अब ये कैसे पता लग रहा है कि अलग अलग है, बीच में क्या है, कॉमा, और ये सारे किसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के। ये एरे की पहचान है कि उसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो किसके अंदर होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में। ऑब्जेक्ट की क्या पहचान थी, कर्ली ब्रैकेट। बात समझ आ गई। अब फ्रूट्स देखें, जब भी आप जावास्क्रिप्ट में कोई डेटा टाइप बनाते हैं तो अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर उसके मुतल्लिक और दूसरे फंक्शन ऑलरेडी बने पड़े थे तो वो आपको कंसोल में नॉर्मली दिखते हैं, ठीक है। तो ये जब आप डॉट करके कोई चीज़ लगा रहे हो ना, जब आप स्ट्रिंग डॉट लोअर केस कर रहे थे, तो ये डॉट लोअर केस, ये फंक्शन किसने लिखा, आपने तो नहीं लिखा, आपने तो सिर्फ वेरिएबल बनाया था। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी फंक्शन सेव होते हैं। इसी तरीके से एरे के अंदर कुछ मेथड सेव हैं। जब आपने एरे बना ली तो जावास्क्रिप्ट को पता लग गया कि ये क्या है, एरे। तो आपके लिए वो सब चीज़ें अलाउ कर देता है जो कि एरे में यूज़ हो सकती हैं। अब जैसे मैं फ्रूट्स डॉट, सबसे पॉपुलर अगर कोई है, डॉट पुश, इसके अंदर मैं कहता हूँ पाइनएप्पल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब मैंने फ्रूट्स को प्रिंट किया या कंसोल लॉग किया, तो मेरे पास में क्या लिखा हुआ है, पाइनएप्पल, नीचे दिख रहा है। एक मिनट इसको दोबारा कर लेते हैं, इसको वीएस कोड में कर लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ नहीं, हाँ ये वो नहीं है। सही है। तो यहाँ पर मेरे पास एक थी ये, मेरे पास एक ये एरे है फ्रूट्स के नाम से, इसके अंदर 1 2 3 4 चार फ्रूट्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मुझे एक और चीज़ पुश करनी है, एक और एलिमेंट, बेसिकली क्या पुश करना है, एलिमेंट पाइनएप्पल, ठीक है। उसके बाद मैं कंसोल लॉग करा देता हूँ किसको, फ्रूट्स को। एक काम करते हैं कि इस पुश होने से पहले भी कंसोल लॉग करते हैं, ताकि मैं पता लगे कि इससे पहले क्या था। अब ये वाली बात है कि ये वो नहीं है,
कंसोल लॉग नहीं है कि वो आपको डायरेक्टली दिखा दे। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये वाला मैं इसको अगर index.html को चलाऊं, ठीक है, वेलकम चला और इसका कंसोल लॉग देखें तो दो एरे प्रिंट हुई हैं। अच्छा, मज़े की बात है, हम यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर फ्रूट्स के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ भी मैं कौन ऊपर कुछ लिखा है क्या? कंसोल लॉग फ्रूट, आई डोंट नो उसकी मेमोरी में सेव हो गया क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, बेसिकली उसको कंसोल लॉग ये इशू कर रहा है कि ये यहाँ पे आपको लेंथ बता रहा है कि 4 ही है, ठीक है ये, लेकिन साइड में वार्निंग दे रहा है कि इसकी बाद में वैल्यू चेंज हुई है, लेकिन वो दोनों दिखा दे रहा है, जो बाद में चेंज वैल्यू हुई है वो वही दिखा दे रहा है, सही है, लेकिन ये आपको साइड में बता रहा है कि ये वैल्यू चेंज हुई थी और इसमें चेंजिंग ही यही आई थी कि इसमें क्या पुश हुआ है, पाइनएप्पल। जैसे इसको अगर हम इसको कमेंट आउट करें, इसको फिर रिलोड करते हैं, तो अब आपको पता लगेगा कि इसमें वो नहीं है, ठीक है, और कोई वार्निंग भी अभी वो एरिया चेंज हुई है, क्योंकि दो दफ़ा वो कंसोल लॉग हो गया, लेकिन इसके अंदर ये नहीं है। आप बेसिकली क्या पुश करवा रहे हो यहाँ पे, एक नया एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने किया और यहाँ पे हमने इसको रिलोड किया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक पाइनएप्पल नया एलिमेंट। अब ये पुश, इसका ये बहुत बड़ी एक पीछे साइंस है कि भाई हमारे पास एक डेटाबेस में डेटा सेव कराने के कुछ तरीके हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं पहला होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैकिंग कहते हैं इसको। जो पुश है, एक सवाल आपने से किसी ने नहीं पूछा कि ये जो पुश नया इस एलिमेंट एरे के अंदर एलिमेंट डाल रहा है, ये कहाँ पे लगा रहा है, ये कहाँ पे लगाएगा, लास्ट में लगाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कुछ फंक्शन है जो लास्ट में नहीं लगाते हैं, कुछ फंक्शन में जो पहले लगाते हैं और कुछ फंक्शन में जो लास्ट लगाते हैं। जो पुश फंक्शन है वो कहाँ लगेगा, हमेशा लास्ट एलिमेंट बढ़ा दो, ठीक है, कुछ भी नहीं। आप पुश सिर्फ जब आप पुश यूज़ कर रहे हो तो उसका मतलब है आप उसको कह रहे हो कि सब लगाओ एंड में लगाओ, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, ये बात सेम पाइथन में भी होती है, लेकिन पाइथन में अपेंड यूज़ होता है, पाइथन में ये वाला यूज़ होता है, ए पी ई एन डी, ठीक है, पुश की जगह साथ साथ में, चलो ये भी बताते चलते हैं ना। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, हम दोबारा अपनी एरे चेक करते हैं, इसके अंदर 5 एलिमेंट है फ्रूट्स, एक और इसका है, ठीक है, अब देखें क्या हुआ, पहले कितने थे, अब मैंने एक और मेथड यूज किया, कौन सा, पॉप, पॉप फंक्शन है, ये क्या करता है, ये सिंपली आपका जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव कर देता है, बहुत सिंपल। अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें आपको एरे का लास्ट एलिमेंट डिलीट करना था, किसी भी मजा से कुछ भी हो सकता है, लास्ट जो ऐड हुआ है या जो लास्ट एलिमेंट ऑलरेडी है
अच्छा इसमें एक और चीज़, ये जैसे नोट करने वाली नहीं है, आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो, जब आप पुश करोगे तो वो आपको न्यू एरे का लेंथ बता देगा, और जब आप टेस्ट करो आप उसको एक्सेस कर लो। बहुत अच्छा सवाल है वैसे यार, लड़के का सवाल है, उसने लिखा बोला है कि इसमें मैं पुश करा रहा हूँ, कोई फ्रूट का नाम बताया, ऑरेंज, सवाल पूछा एक बच्चे ने कि भाई इसने मुझे नहीं बताया कि इसमें क्या ऐड हुआ है, सिर्फ मुझे लेंथ बताया, वो कह रहे हैं मुझे देखना है कि क्या ऐड हुआ है। ठीक है, तो आपके पास सिंपली एरे के एक्सेस के रूल्स हैं, जिस तरीके से आप स्ट्रिंग में ये करते थे एग्जैक्टली सेम काम आप एरे में भी करते हो, लेकिन स्ट्रिंग में वो आपको सिर्फ पी ला कर दे रहा था, सिर्फ ए ला के दे रहा था, ये आपको पूरा का पूरा एलिमेंट ला के दे रहा है। सही है, एलिमेंट पूरा का पूरा एलिमेंट। अब जैसे कि मैं जीरो करता हूँ तो मुझे बनाना दे रहा है जो कि पहले एलिमेंट में होगा। सही है, अब वो कह रहे हैं लास्ट, इस वक्त तो मुझे पता है कि लास्ट कौन सा है, फाइव। अगर मुझे ना पता होगा लास्ट कौन सा है तो क्या होगा, माइनस जीरो, माइनस वन क्या बता रहे हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये इसके साथ है, वैसे माइनस वन के साथ ना इसको फाइनल एलिमेंट देना चाहिए था, नहीं नहीं ये माइनस देना चाहिए था, पॉप की नहीं, वो लास्ट निकाल देगा सिंपल, इसमें एक मिनट चेक करते हैं, उसके अंदर हाँ कंसोल हर बार में आपको करना है, क्योंकि कंसोल में वो लाजमी है कि आपको वैल्यू अगर शो करनी है, अगर आप कोड में बात कर रहे हो, अगर कंसोल में बात कर रहे हो तो आपको नहीं करनी चाहिए। इसको थोड़ा चेक करते हैं कि माइनस वन क्यों नहीं दे रहा, इसको हम गूगल भी कर लेते हैं, जे एस लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे, क्योंकि होना तो माइनस वन ही चाहिए, लेकिन अब देखते हैं कि इन्होंने कोई चीज़ चेंज की है कि नहीं। हाँ ये माइनस की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इन्होंने इसका एक तरीका लिखा हुआ है, इन्होंने इसका तरीका क्या लिखा है तो फिर क्लियर में यूज़ कर रहा हूँ, कि आप फ्रूट्स लिखो और अंदर फ्रूट्स डॉट लेंथ लिखो। अब ये देखें उसने ना एक जीनियस तरीका बताया, अब मुझे पता है कि फ्रूट्स की लेंथ जो है वो इस पूरे एरे की लेंथ है, ठीक है, लेकिन एरे की लेंथ अगर आप करेंगे ना तो वो एरर देगा, क्या अनडिफाइंड, उसकी वजह क्या है, एरे काउंट कैसे कर रहा है, 0 1 2 3 4, अब ये पांच वैल्यूज 0 1 2 3 4 पे आगे खत्म हो गए, तो यहाँ पर तो आपने क्या उसको दे दिया 5, तो उसने बोला यार 5 पे तो कुछ है ही नहीं, तो आपने क्या करा कि उसमें से एक माइनस किया लास्ट वैल्यू के लिए, ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया ऑरेंज, इसकी लास्ट वैल्यू अगर आपको सेकंड लास्ट चाहिए तो -2, तो आप सिंपली उसको माइनस करते जा रहे हो। एरे की ये बेसिकली हम इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग, अभी आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को कैसे एक्सेस किया जाता है। क्या अभी तो 10 बज रहे हैं,
अच्छा मैंने बोला था 10 तक चलो। वैसे भी सर हमारी क्लास 8 बजे शुरू होती है। अच्छा एक एक अच्छा एक लाइन है बस, एक लाइन है, एक ही है बस, ठीक है। अब ये आपका index.html है, ठीक है। तो इस पे हम दे देते हैं एक आईडी, क्या हेडिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब देखें ये डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ पर अगर आप आ जाओ, अब देखें वो मेजर जो जावास्क्रिप्ट थी ना, एरे स्ट्रिंग ये वो, उससे निकल के हम दोबारा थोड़ा सा वेबसाइट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है, जो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट लिखने पर जावास्क्रिप्ट एरर नहीं देगा, इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट कोई चीज़ है जो पहले से जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड है, वरना हर चीज़ आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को जब आप एंटर करेंगे तो ये कंसोल ही आपको बताएगा कि इसमें कुछ डेटा सेव हुआ हुआ है। अब वो क्या है, क्या दिख रहा है आपको, HTML डॉक्यूमेंट। बेसिकली क्या होता है, वो जावास्क्रिप्ट को ये पूरा जो HTML का कोड है वो आपके पास उठ के आ जाता है एज एन ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट, इसको हम DOM कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अभी कभी फारिग वक्त हो तो इसको डिटेल में पढ़ लेना कि इसका क्या मतलब है, क्या होता है। HTML DOM कहलाता है, ये एक ट्री है, ये आपको बताएगा कि जो HTML आप लिखते हो ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, जो कि आपको एक तरीका बताया गया। ये आखिरी में ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो जावास्क्रिप्ट में जाके ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट आपको नहीं मैंने दिखाया कर्ली ब्रेसेस के साथ, एंड ऑफ द डे वो वही बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इस डॉक्यूमेंट के वेरिएबल के अंदर मिलता है। अब इस वक्त जो हमारे पास HTML है वो ये है, उसके अंदर एक H2 है जिसकी आईडी क्या है, हेडिंग। तो देखिए मैंने डॉक्यूमेंट में क्या मेथड लगाया है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, बहुत पढ़ने में ही पता लग रहा है क्या है। तो इसकी आईडी हम सेट करेंगे क्या, यही जो यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और क्या हैश नहीं 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 क्यों नहीं नहीं ये देखो ना, अब पहले तो हम इसको कहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, कंसोल लॉग किया मैंने, ठीक है। और वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, तो नल मैंने कहा मिस्टेक किया है, एक मिनट, वो सही तो नहीं कह रहे थे तुम, हैश तो नहीं आ गया सर, मैं फिर भूल गया उस पर क्या करना होता है। नहीं 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 हैश नहीं आता, ये हेडिंग ही आता है, मुझे इतना पता है। मुझे इसका इनर HTML ना, ये मैं कॉल करवा रहा, तो ये बेसिकली आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप इसको देखें डॉक्यूमेंट तो ये यहाँ पर आएगा, हाँ इसको इक्वल कर लो वर्ल्ड के, क्लोज करो, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं यार, एक मिनट एक मिनट, पता नहीं H2 पे भी चलना चाहिए,
जैसे पता नहीं क्या तुम लोगों ने पढ़ के फूका नहीं नहीं ये बहुत सिंपल सी है यार ये पहली बार डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी ने एरर दिया है मुझे नहीं वो दो ही आने चाहिए भाई गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं नहीं हेडिंग हेडिंग वन ये इसके साथ कनेक्टेड तो है हाँ तभी तो शो है सही है चलो मैं इसको देख लेता हूँ पता नहीं इसमें कोई इश्यू है क्या है लेकिन ये चलना चाहिए था लेकिन तुम लोगों ने पता नहीं क्या इसको बोला है इसको कल हम देखेंगे उधर से कंटिन्यू करेंगे हां नहीं नहीं डॉट यार डॉक्यूमेंट हेडिंग आईडी जा रहा है नहीं नहीं डॉट क्यों सिंगल क्वेरी थी पता नहीं जावास्क्रिप्ट जो लोगों ने वेबसाइट अभी बना रहे हैं नहीं वो हैश वो होगा डॉलर सर मुजरिम को बोला उसको बोला डॉलर जेक्वेरी वो जेक्वेरी है वो ये नहीं है वीडियो अपलोड कर हां तुम रुको सर ये दोनों वीडियो आ गए मतलब दो घंटे देखो मैं बता रहा हूं दो से ज्यादा है मैं आके मारूंगा नहीं नहीं मैं पूरे टाइम पे आऊंगा सर हफ्ते यहां से रोजा लगाने आएंगे तो वाला दिन चले जाएगा करेंगे क्या कर रहे हैं सर ट्रेंड है सर दूर जाना उसको बुला लो उसको बोलो कि वो मेरे एक बात बताऊं हाँ। भी समझ नहीं क्या कुछ समझ नहीं आई क्यों नहीं सर ऐसे समझ आई है ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आई परेशान हो गया सर इसीलिए बोल रहा हूं वीडियो अपलोड करें दो बार मैं खुद परेशान हो गया हूं क्यों नहीं अरे वो कुर्सियां सारी चले गए सर ये दूसरे शिफ्ट वाले की है नहीं यार ये अपनी अपनी कुर्सी पीछे लगा दे यार यहीं से देखो सर यहीं हाँ मतलब जो जो एक एक अपनी है अरे यार चल गया चलो चल गया भी नहीं यही बात है